हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा चौधरी, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। चलिए आज आप इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि जो हम कूलेंट डालते हैं गाड़ी के अंदर, जो हमारा रेडिएटर में जाता है और वो वाला कूलेंट जो इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो हम ऑयल डालते हैं इंजन ऑयल, तो वो इंजन ऑयल इंजन में किस तरह से सर्कुलेट करता है और कैसे वो काम करता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि इंजन को अगर हम मोटा मोटा समझ लें तो तीन हिस्सों में बटा है। ये वाला पहला हिस्सा देख रहे हैं, ये हेड है, बीच वाला हिस्सा ब्लॉक है, और नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक सम्प है। इंजन ऑयल इस सम्प में रहता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर पंप की हेल्प से ऊपर की तरफ जाता है और हेड तक आता है, और हेड से फिर नीचे जो है वो सबको लुब्रिकेट करता है और वापिस सम्प में चला जाता है। जो कूलेंट है वो रेडिएटर से आता है और इंजन के अंदर जाता है, और वो कहाँ कहाँ वो सर्कुलेट करता है ये मैं आपको दूसरे इंजन में दिखाता हूँ, 800 वाले इंजन में, बट उसमें सिर्फ मैं आपको बीच वाला हिस्सा दिखाऊंगा। ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा नहीं है, सिर्फ बीच वाला हिस्सा दिखाऊंगा, वहीं से आपको पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल किधर जाता है और इंजन अपना जो कूलेंट है वो किधर जाता है। ओके, तो ये है वो बीच वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक, क्योंकि इसमें सिलेंडर रहते हैं और सिलेंडर के अंदर आप बहुत वीडियो में देखा होगा आपने कि इनके अंदर पिस्टन मूव करते हैं। अब ये आप जो ऊपर ये गैलरीज देख रहे हैं और ये जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हैं, यहीं का जो खेल है वो सारा यहीं पे है, क्योंकि पिस्टन जब इसके अंदर मूव करता है तो हीट जनरेट करता है और वही हीट को मेंटेन करने का काम होता है कूलेंट का। तो सबसे पहले कूलेंट की बात करता हूँ, तो कूलेंट के लिए सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला सिलेंडर के चारों तरफ, इस सिलेंडर के एक ये है, ये है, ये 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 ये, और इसके दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो इस तरह से ये इनको बोलते हैं वाटर गैलरीज। इसके अंदर कूलेंट रेडिएटर से जब आता है तो इनके अंदर वो रहता है, और जब तक वो गर्म ना हो जाता है, 80 डिग्री 90 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो इसके अंदर ही रहता है और यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, एक्सेस हीट को, पूरी हीट को नहीं, एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और इंजन के टेम्परेचर को वर्किंग बनाता है। वैसे ही लुब्रिकेशन की बात करूं तो मैंने कहा कि इसके नीचे, जैसे मैंने कहा तीसरा हिस्सा सम्प का है जहां पे इंजन ऑयल रहता है, पंप की हेल्प से वो ऊपर आता है, पर आता कहां से है, ये वाला आप देख रहे हैं जो बाहर की तरफ को जो है, ये बड़े बड़े वाले जो होल हैं, ये वाला जो आउटसाइड है, जो वाटर जैकेट से के जो पीछे की तरफ है, यहां से इंजन ऑयल, अगर आपको मैं बताऊंगा तो नीचे आपको यहाँ नीचे आपको शायद देखो लाइट दिख पा रही है, ये बिल्कुल सम्प से आता है, तो जो सम्प है वो यहाँ नीचे जुड़ा रहता है और यहीं से जो है वो ऊपर की तरफ ऑयल जाता है, ठीक है जी, और सारा इंजन के कंपोनेंट्स को वो लुब्रिकेट करता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है और फ्रिक्शन से इंजन के कंपोनेंट घिसते नहीं हैं। तो ये अंदर का मैकेनिज्म इस तरह से रहता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो तो देखते नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार थम्स अप करें और कमेंट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।